हेलो गाइस, दिस इज मोहित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मैथ स्टडी। करें एक नए अंदाज। साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एग्जांपल्स, साइंटिफिक नोटेशन प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक नोटेशन रूल्स, ये सब आज हम कवर करेंगे। व्हाई साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का यूज क्यों होता है, मीन्स हम इसका यूज इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। तो उसका आंसर है टू सेव स्पेस, टू सेव टाइम, फॉर टू बिग नंबर्स एंड फॉर टू स्मॉल नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन का यूज जो किया जाता है वो हमारा स्पेस बचाने के लिए किया जाता है और टाइम बचाने के लिए किया जाता है। वो कैसे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 7 × 10^22। और आप इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे तो 7 के आगे आपको 22 टाइम्स जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा नंबर हम कितनी देर में लिख पाएंगे, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और उसके साथ साथ हमारा स्पेस भी कंज्यूम होगा। तो इन दोनों से बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसका यूज करके आप बड़े से बड़े नंबर्स को शॉर्ट वे में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे या फिर आप ये मान लीजिए लर्न करने पड़ेंगे। अब जैसे कि बहुत छोटा नंबर ले लीजिए, ये जो आपको दे रखा है 1 × 10^-14 meter। अगर आप इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बाद 14 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका 1 आएगा, क्योंकि 10^-14 है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में, वो लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करने का फ़ायदा क्या है, जैसे कि सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टू सेव स्पेस एंड टू सेव टाइम। हम अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय बचा सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में भी, और स्पेस मीन्स कॉपी में जो हम काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसकी वजह से घिर जाता है, कवर अप हो जाता है, उसको हम फ्री कर सकते हैं। एक्चुअली अब आप देखिए, इसका कोई भी एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए या प्रॉब्लम जो इसकी हैं, वो एक दो प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 8224, देखिए आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, आपको पता होगा डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर में हम कहाँ पे लगाते हैं, बिल्कुल एंड में। तो 8224.0 फर्स्ट डिजिट इज नोन एज लीडिंग डिजिट। ये जो आपकी फर्स्ट डिजिट है वो आपकी लीडिंग डिजिट कहलाती है, ठीक है। एक्चुअली अगर लीडिंग डिजिट आपको पता पड़ जाए तो आपको ये क्वेश्चन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका पहला सिद्धांत है कि आपको लीडिंग डिजिट पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पॉइंट है उसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड की साइड, और इतना शिफ्ट करेंगे कि पॉइंट के बाद एक नंबर तो वो बचना ही चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए पॉइंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8.224। अब आप देखिए मूविंग टू द लेफ्ट, अगर आपने लेफ्ट हैंड मूव करा तो एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, 10^-power पॉजिटिव, तो जो आपकी पावर होगी वो आपकी प्लस की होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर इसको शिफ्ट किया है। अगर आप राइट हैंड साइड की शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर निगेटिव होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8.224 × 10^3। अब इसका अगर हम कोई दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं तो देखिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है 4 × 5 0, तो एंड में हम जीरो लगा देंगे, पॉइंट जीरो, उससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे, कितना शिफ्ट करेंगे, 5 digits, क्योंकि एंड में आपका 4 तो बचना ही चाहिए। तो जब 5 digits शिफ्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4.0। अब ये आपकी चॉइस है, उसको 4.0 लिखिए चाहे 4 लिखिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 10^5। अब यहाँ पे 5 क्यों आया, क्योंकि जो आपने पॉइंट शिफ्ट करा उसके लिए आपने 5 digits लिए, 5 digits के बाद जाके आपको अपनी लीडिंग डिजिट मिली। अगर हम इसकी और प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करें तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी पैटर्न का यूज करके। ये जैसे कि आपके दोनों एग्जाम्पल्स अभी हो चुके हैं, अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 384.6। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, जो आपका पॉइंट लगा है अगर आप उसको शिफ्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.846 × 10^2। तो आपने जैसे कि ये क्वेश्चन देखा, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आधारित थे, वो भी आपको पॉइंट किधर शिफ्ट करना था,
लेफ्ट हैंड की साइड। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर है 0.00028, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड। तो मैं लीडिंग डेट कौन सी है, देखिए स्टार्टिंग में जियो दे रखा है, तो जो हमारी लीडिंग डेट होती है वो जियो नहीं हो सकती। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन जियो नहीं हो सकती। जीरो कैन नॉट बिकम लीडिंग डिजिट, ये एक रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। और आप इसको आप राइट हैंड साइड की शिफ्ट करेंगे तो आप कितना शिफ्ट करेंगे, तो आपका देखिए 28 लिखा हुआ है, तो आपका जो 2 है वो है लीडिंग डिजिट। मीन्स चलते जाइए, यहाँ पे आपको जियो को छोड़ के जो नंबर मिल गया वही लीडिंग डिजिट कहलाएगी। अब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो मूविंग टू द राइट, तो एक्सपोनेंट इज निगेटिव, 10 रेज टू द पावर निगेटिव। तो आपको कितना डे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 फोर नंबर आपको आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे, उसके आगे मीन्स आपका पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4। तो यही डिफरेंस है आपका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ये दोनों जो रूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। तो आपका जो आंसर है 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 हो चुका है। तो जो ये आपके रूल्स हैं इसको आप चाहे कॉपी पे नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम कुछ और क्वेश्चंस लेके इसके बारे में डिस्कस करें, तो वो आपका क्वेश्चन ये रहा 0.00002014 किलोग्राम, किसी भी बहुत सूक्ष्म चीज़ का ये आपका वेट है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आप इसमें पॉइंट को शिफ्ट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डेज के बाद शिफ्ट होगा। फाइव के बाद ही क्यों होगा, क्योंकि आपको नंबर मिल गया ना 2, और जीरो आपकी लीडिंग डिजिट हो नहीं सकती। तो कितना हो जाएगा, 2.14 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 किलोग्राम। तो यहाँ आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर चुका है। अब देखिए स्टार्टिंग से हम एक बार रूल्स देख लेते हैं, जो आपके रूल्स थे वो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप इसको आसानी से लिख सकें। देखिए आपके जो हैं वो 4 रूल्स हैं, वो 4 रूल्स आपके क्या कहते हैं, 1 by 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये 4 रूल्स। पहला रूल क्या कहता है, लुक फॉर द लीडिंग डेट। सबसे पहले आप देखिए लीडिंग डेट कौन सी है और कहाँ पर है। सेकंड, डेसिमल पॉइंट आपको क्या करना है उसका, टू लेफ्ट और टू राइट। नेक्स्ट थर्ड रूल आपसे क्या कहता है, मूव टू लेफ्ट एक्सपोनेंट पॉजिटिव। एंड एट लास्ट फोर्थ रूल, मूव टू राइट एक्सपोनेंट निगेटिव। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए हमेशा काम आएगा। बहुत ही अच्छे से रूल समझा दिए गए हैं, ये आपकी 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। ये फॉलो करने के बाद आराम से आप साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं, बट साइंटिफिक नोटेशन टू डेसिमल फॉर्म। अब अगर आपको बुक में, आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक में या फिर आर.डी. शर्मा की बुक में, कोई भी XYZ की बुक है राइटर की, उसमें आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए तो 5.87 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो, मीन नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10 रेज टू द पावर 4 ये पॉजिटिव पावर है, और पॉजिटिव पावर कब लगती है, इफ़ वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। अगर आप पॉइंट को लेफ्ट की साइड सरकाते थे, शिफ्ट करते थे, तो आपकी पावर पॉजिटिव लगती थी। अभी आपको पावर हटानी है तो आपको पॉइंट वापस किधर की साइड सरका दिया जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ, मीन्स उसका रिवर्स कर दिया जाएगा। तो आप देखिए जो आपकी पावर है वो आपकी कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 4 लगा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को 4 डेट्स राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करिए, तो आप देख सकते हैं आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5.87 के आगे आपके 2 जीरो और जुड़ जाएंगे। जब आपके इसमें आपके 2 जीरो और जुड़ जाएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58700, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब देखिए जो आपकी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, इसी टाइप की आप बाकी प्रॉब्लम्स अपनी बुक में से लिख के लगा सकते हैं। और अगर इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो इसके हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का था, 2.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2। अब देखिए पहला कैसा था, पॉजिटिव पावर का, और ये आपका नेगेटिव पावर का, पहला लेफ्ट हैंड साइड की था, अब ये राइट हैंड साइड वाला है। कैसे, क्योंकि माइनस की पावर कब लगती है, जब आप पॉइंट राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो आपको अब ये वापस लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट कर देना है,
जिससे आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो आपको पॉइंट को 2 नंबर शिफ्ट करना है। जब 2 नंबर शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना हो गया, 0.021। तो आपने देखा, आपने एक लेफ्ट का एग्जांपल ले लिया, एक बार राइट का एग्जांपल ले लिया, साइंटिफिक नोटेशन से डेसिमल फॉर्म तो ये चली रही है, सीख लिया, और इससे पहले हमने क्या सीखा, डेसिमल से साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।